वेलकम टू ग्रो बैक गार्डनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मधुमालती के बारे में, रंगून क्रीपर के बारे में, इसके केयर टिप्स के बारे में, आप कैसे इसको क्ले पॉट्स में या ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं, कैसे आप इसकी केयर करें और इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये इसका ओरिजिन है एशिया इंडिया, और बड़ी ईजली आप इसको ग्रो कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं सीड से, स्टेम की कटिंग से, सॉयल लेयरिंग से, एयर लेयरिंग से। ये जो प्लांट है इसको फुल सन पसंद है, लेकिन आप इसको आफ्टरनून के दोपहर की तेज़ धूप से प्रोटेक्ट करें। स्पेशली अगर आपने इसको पॉट्स में या ग्रो बैग्स में लगाया है तो आप इसको आफ्टरनून के सन से ज़रूर बचाएं। अगर आप इसको फुल सन में रखेंगे जहां पे आफ्टरनून के सन से प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी, इसकी ग्रोथ भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये एक इसका की फैक्टर है, आफ्टरनून की शेड आप इसको ज़रूर दें। आप इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन्ड पोरस मिट्टी बनाएं और साथ ही साथ अपनी मिट्टी को मॉइस्ट बनाएं। तो इसके लिए आप इसमें सैंड के साथ साथ कोकोपीट का भी इस्तेमाल करें, या चाहे तो आप इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं ताकि इसमें नमी बनी रहे। और फ्रेंड्स, नमी के साथ साथ आप इसको सपोर्ट लगाएं, क्योंकि ये क्रीपर है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। रेगुलर वाटरिंग आप इसमें करें, लेकिन आप ध्यान दें कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर वाटरिंग भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और बात करेंगे इसके फर्टिलाइजर्स की, तो अगर आपने नया नया प्लांट लगाया है तो आप इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर दीजिए, और आपके प्लांट में एक बार अच्छी ग्रोथ हो जाती है तो आप इसमें फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर दीजिए। अगर आप इसमें लगातार नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर देते रहेंगे तो आपके प्लांट में ग्रोथ तो अच्छी होगी लेकिन उसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर भी इसके लिए की फैक्टर है, स्पेशली जब आपका प्लांट पूरे साइज का हो गया, मतलब अच्छी ग्रोथ कर लिया हो। और फ्रेंड्स, आप इसको हर 2-3 महीने में दे सकते हैं, आप इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर या फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर, आपके प्लांट के साइज के अकॉर्डिंग। अगर छोटा प्लांट है, ग्रो कर रहा है, तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, और बड़ा हो चुका है प्लांट, अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, तो फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर। हर 2-3 महीने में आप इसमें फर्टिलाइजर दे सकते हैं, या लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाह रहे हैं तो आप हर महीने इसमें आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा हैवी फीडर नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप इसको गमलों में लगा रहे हैं तो आपको उसको हर दूसरे महीने में आपको उसमें फर्टिलाइज़र देते रहना पड़ेगा। और आफ्टरनून की सन से आप इसको बचाइए, और इसमें प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है, आप इसकी बहुत ही हार्श प्रूनिंग करें, अच्छे से आप इसकी कटिंग कर दें। जब ये डोमेंट हो गया, विंटर के आसपास आप इसकी कटिंग कर दीजिए, तो एक बार जैसे ही स्प्रिंग आएगा, मौसम गर्म होने लगेगा, वैसे वैसे इसमें अच्छी ग्रोथ होगी। और सभी क्रीपर के साथ जितनी अच्छी आप कटिंग प्रूनिंग करेंगे उतनी ही अच्छी उसमें ग्रोथ होगी और उतनी ही अच्छी उनमें फ्लावरिंग होगी। तो जो प्रूनिंग है इसके लिए मस्ट है, तो आप अच्छी प्रूनिंग करिए, वेल ड्रेन्ड मॉइस्ट सॉइल बनाइए, आफ्टरनून के सन से आप इसको प्रोटेक्ट करिए। प्लांट छोटा है तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर दीजिए, प्लांट का साइज बड़ा है तो फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर दीजिए। तो ये सारी इसके बड़े ही की फैक्टर्स हैं, बस आप इन छोटी थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान देंगे तो जो आपका रंगून क्रीपर है, देखिए मेरा जो प्लांट है मैंने कुछ महीने पहले लगाया था और आप देखिए ये कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे अगर हम इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की, तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत जगह यूज़ किया जाता है और पूरी दुनिया भर में इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारे चीज़ों के क्योर के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इनमें से बता दे रहा हूँ, बाकी मैंने कैप्शंस में दे दिए हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे इसके हेल्थ बेनिफिट्स की, तो किडनी के इन्फेक्शन में, किडनी की स्वेलिंग में, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में, कफ में, कोल्ड में, फीवर में, सर दर्द में, पेट में कीड़े हैं अगर राउंड वर्म्स हैं, पिन वर्म्स हैं, तो उसमें भी इसमें आप इसके पत्तियों का, इसके सीड्स का, इसके इसके रूट्स का, इसके फ्रूट्स का, इसके फ्लावर्स का, हर एक चीज़ का इस्तेमाल होता है। इसलिए मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स दे दिए हैं कि किस किस चीज़ में आप इसके कौन से पत्तियों का या फ्रूट्स का या लीव्स का या आप इसके फ्लावर्स का यूज़ करें, कितनी क्वांटिटी में करें। तो आप इसको देखें और वीडियो लाइक पसंद आए।